तिथल्या पी आयने मला मारहाण केली आणि लेडीज पाच कॉन्स्टेबलने मला मारहाण केली. एक लेडीज एक पुरुष कॉन्स्टेबल एवढ्या लोकांनी मला प्रयत्न तर करते पण मला कोणीच न्याय मिळून देत नाही. त्याच्यामुळे मला न्याय मिळण्यात द्यावा हीच आपल्याकडे रिक्वेस्ट आहे. सर आज आप यहाँ पर शिक्षक पुलिस स्टेशन की बात एक औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने 22 तारीख को एक दुर्घटना हुई है जिसमें समीक्षा संभाजी खंडारे नाम के एक लेडीज है जिसने आत्मदहन किया, अपने आप को जलाकर आत्मदहन किया. उस सिलसिले में हम लोग इंक्वायरी के लिए यहाँ पर मैडम के पास आए उसको इंसाफ दिलाने के लिए. और निर्मला बताइए परदेशी मैडम जो है यहाँ के जो सीनियर इंस्पेक्टर है उनसे हमारी बातचीत हुई, सविस्तर बातचीत की हम लोगों ने. और मैडम ने बताया हम लोग को अभी कि 10 साल पहले वो घर छोड़ चुकी है, वो लड़की ने उसके पेरेंट्स वगैरह यहाँ आए उनसे उनसे बातचीत उन्होंने किए डिटेल बातचीत की है. वो लड़की जो है बाबली बोल के एक गाँव है दरियापुर में अमरावती जिले में, वहाँ पर रहने वाली लड़की है. वहाँ से उसके पेरेंट्स को मैडम ने उन्होंने ढूंढ कर लाए और वो आज यहाँ पर आए. उन लोगों ने उनका स्टेटमेंट वगैरह दिए. मैडम ने बताया कि उनसे तफसील से बातचीत हुई है और तफसील से बातचीत में उनके भाई वगैरह जो है और जो बाकी लोग भी आए वेल क्वालिफाइड फैमिली है, उसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह वेल क्वालिफाइड लोग हैं. उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले वो लड़की घर छोड़ चुकी है और वो घर में भी वो एक पागलपन की हरकतें करती थी, ऐसा उन लोग का बोलना है. लेकिन महाराष्ट्र न्यूज टुडे पे एक न्यूज चैनल पे एक वीडियो वायरल हो रहा है. उस वीडियो वायरल में वो लड़की ने एक स्टेटमेंट दिया है, काफी लंबा स्टेटमेंट है 5-6-7 मिनट का. मैडम को वो स्टेटमेंट वो वीडियो हम लोगों ने बताया. मैडम ने वो वीडियो की तमाम वीडियो देखे जिसके अंदर वो बच्ची ने वो लड़की ने इल्जाम लगाई डिपार्टमेंट के ऊपर कि उसके साथ नाइंसाफी हुई और उसको इंसाफ नहीं दिया गया और पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके साथ में कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं ली गई, इस तरह के मामला थे. तो मैडम ने तफसील से सुने हैं और उनका कहना है कि भाई इसमें मैं डिटेल इंक्वायरी करूंगी और जो बिल्कुल कानून के दायरे में बैठता है मैं उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी. और जो पेरेंट्स आज आए हैं तो मैडम को बताना है कि भाई वो उसकी जो डेड बॉडी वगैरह है उन लोग के हवाले उनको आज करेंगे तो अंत संस्कार औरंगाबाद में करते हैं या फिर वो अमरावती ले जाते हैं उनके गाँव पे तो पता नहीं. सर आपको क्या लगता है ये केस किस तरीके का? देखिए अगर हम वो महाराष्ट्र न्यूज टुडे पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अगर सुन लिया हम लोगों ने और वहाँ के जो हालात है जो देखे कि जब अतिक्रमण वाले वो गिरा रहे थे उस पर बांधकाम वगैरह, तो कोई भी अगर एक पागलपन की औरत अगर समझे पागलपन इंसान को अगर देखे वो इतना लाइन एंगल में 90 डिग्री में बांधकाम नहीं कर सकता. वो लड़की बांधकाम कर रही थी, उसके अपने करनी वगैरह थी. सवाल यहाँ पे बहुत सारे उठते हैं तो वो लड़की बांधकाम इतने आसानी से कैसा कर सकती, उसको मटेरियल किसने लाकर दिया, ईंट वहाँ पे थपी पड़ी थी, सीमेंट किसने लाकर दिया, रेती किसने लाकर दिया, उसको पैसे किसने दिया किस खरीदने के लिए, या उस लड़की ने या उस लेडीज ने ये तमाम चीजें कहाँ से खरीदी. और जब वो लोग वहाँ पे ईटा वगैरह उतारे तो जो ईट उतारने वाले गाड़ी वालों को या मालिक को ये नहीं समझा कि गवर्नमेंट की जगह है. और जिस साउथ का एक ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर सामने कलेक्टर ऑफिस है या धरने के लिए एक जगह दे दी गवर्नमेंट ने, तो फिर वो गाड़ी से माल उतारने वालों को ये नहीं समझा कि भाई वहाँ पे माल उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए. फिर उस लड़की ने जो रॉकेट डाली अपने आंख के ऊपर किसने उसको रॉकेट दिया, इतना फास्ट कैसा काम हुआ. अच्छा सर इसमें जो कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी और कर्मचारी का जो व्यवहार था उसके साथ जो आप मेरी न्यूज के चैनल पर वीडियो देखिए जिस तरीके के उसको एक तरफ भगा कर एक तोड़ रहा है वो उधर भाग रही है मारने को दूसरा इधर से तोड़ रहा है वो चीज सही हुई है? आप ह्यूमन राइट से आते हैं या वो एक महिला के साथ सही था व्यवहार उनका? देखिए ह्यूमन राइट की बात हम करते हैं कि इंसाफ दिलाने वाली बात इंसाफ की बात. अगर वो लेडीज का कहना है वीडियो में बताया मुताबिक वो कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन आई थी तो सबसे पहले तो उसका हक है कि भाई उसकी कंप्लेन ली जाए उसकी इंक्वायरी की जाए कार्रवाई की जाए बोलकर. लेकिन उसके बोले मुताबिक वो तमाम चीजें हुई नहीं और वहां पर जो मामला जो अतिक्रमण हरा पथक वालों ने कार्रवाई की है तो मुझे तो नहीं लगता कोई सही अंदाज हुई क्योंकि अगर वो गलत है तो हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट साथ में था, आप उसको ले आ सकते थे. अगर आप कुछ लोगों का बोलना है कि उसके दिमाग की हालत बराबर नहीं थी पागलपन का मामला था आप घाटी ले जाते पागल के दवाखान ले जाते या उसके बाद ट्रीटमेंट करते. दूसरी बात उसको ये तमाम अतिक्रमण वालों ने तमाम मामला हटाने के बाद पीटे वगैरह गाड़ी को डालने के बाद उसको मेडिकल हॉस्पिटल मेडिकल क्यों नहीं लेकर गए या पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं लेकर गए, उसने अगर इलीगल काम करी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं गए या उसको मेंटली ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया उसको. तो हाइपर हो गई थी बच्ची अगर वीडियो में देखा जाए तो काफी हाइपर हो गई थी वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए था. उसका हक है मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना उसका हक है तो उसका सबको पैसे रखना का हक उसको मिला नहीं सर ना इंसाफी. आप आगे क्या कार्रवाई अभी हम लोग गृहमंत्री को लेटर लिख रहे हैं उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट है कलेक्टर है डिविजनल कमिश्नर है और मानव अधिकार जो है हम दिल्ली का हम मानव अधिकार को लेटर लिख रहे हैं डिपार्टमेंट को. उसके अलावा महिला बाल कल्याण विभाग है बाल
जो आई पारा मतलब जो ऑफिस है उन लोग हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसको पूरा इंसाफ दिलाने की बात करेंगे। आपका पूरा नाम मैं शेख रशीद रहमान, महाराष्ट्र अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, और मेरे साथ में हमारे गुरुवाकर साहब है जो सचिव है महाराष्ट्र के, और हमारे अर्षद खान साहब है जो मराठवाड़े के सचिव है, उसके अलावा जो प्रीति मैडम है जो औरंगाबाद जिले के अध्यक्ष है, उसके बाद में हमारे समाज सेवक इन्होंने भी है, मैडम भी हमारे साथ में जुड़े हैं।